शोपियां जिले के रतनीपोरा इलाके में चल रही मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि इलाके में एक और आतंकवादी के छिपे होने की खबर है। पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर घाटी में चार अलग अलग जगहों पर विदेशी लश्कर कमांडर अली बाई सहित 6 आतंकवादी आतंकी ढेर किए गए हैं, जिनमें से बारामूला में 2, हाजिन में 2, सोपोर में 1 और शोपिया में 1 आतंकी को मार गिराया गया है। वहीं इन हमलों में 7 सुरक्षा बल के जवान भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उधर हाजिन में बंधक बनाए गए नाबालिग लड़के की भी मौत हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से सुंदरबनी, अखनूर और अनौशेरा में भी सीज़फ़ायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की जा रही है। इस दौरान पाकिस्तान ने गोलीबारी के लिए तोपों का भी इस्तेमाल किया। फिर इन इलाकों में सर्च अभियान फिलहाल जारी है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लश्कर का कमांडर ढेर किया गया है, जिस और साथ ही साथ पाकिस्तान की भी नापाक हरकत लगातार सामने आ रही है। सीज़फ़ायर उल्लंघन कर पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है और वहीं भारतीय वायुसेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और ये तस्वीरें जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल भी तैनात है और पूरे तरीके से भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और वहीं आपको बता दें कि सर्च अभियान में एक आतंकी मारा गया। कश्मीर में 24 घंटे में 4 एनकाउंटर किए गए, 7 सुरक्षा बल वहीं गंभीर बताए जा रहे हैं और फिलहाल गंभीरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर्च अभियान फिलहाल अब भी लगातार जारी है।